कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है अभी आगे बताऊंगा। पहले बात करते हैं कस्टम ऑडियंस का हम यूज़ क्या करेंगे, ठीक है, क्या क्या इस्तेमाल है, क्या फ़ायदे हैं कस्टम ऑडियंसिस के, वो जान लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारा कस्टम कन्वर्जन बनाने के ऊपर, ठीक है। देखो, पिक्सल जो आपको दिया जाता है वो डेटा स्टोर करता है, ठीक है। अब उसी डेटे की मदद से हम बनाते हैं हमारी कस्टम ऑडियंस। एक जब आप इनिशियली आज जब अपना शुरू कर रहे होते हो तो वहाँ पर आप डिटेल टारगेटिंग करते हो, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आपकी सर्विस के हिसाब से आप वहाँ पर लोगों को टारगेट करते हो। और जब ऐड उन लोगों तक पहुंचता है, उसमें से कुछ लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऐड टू कार्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो केवल यू नो आपको लीड देते हैं लेकिन परचेज़ नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो केवल व्यू करते हैं कंटेंट को, यानी कि अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जब आप डिटेल टारगेटिंग करते हो उसके हिसाब से, ठीक है। और इसी चीज़ को जो लोग आपके वेबसाइट पर करते हैं, जो लोगों की एक्शंस होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसको पिक्सल ट्रैक करता है, उसका डेटा वो स्टोर करता है। आप कस्टम ऑडियंस में आप क्या करते हो, आप उस डेटा का इस्तेमाल करते हो वैसे लोगों को कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। यानी कि कस्टम ऑडियंस अभी जब हम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कस्टम ऑडियंस में क्या होगा कि आपके पास मान लो कि आप चाहते हो कि ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 30 दिन में परचेस किया है आपसे, ठीक है, आपकी वेबसाइट से परचेस किया है, आप चाहते हो कि मैं उन लोगों को एक उनकी ऑडियंस अलग बनाऊं, तो आप उनकी ऑडियंस अलग से बना सकते हो। यानी कि वो लोग जिन्होंने पिछले 30 दिनों में आपसे कुछ खरीदा है तो उनकी एक ऑडियंस हो गई, ठीक है। ये जो 30 दिन है आप ये अपने हिसाब से रख सकते हो, आप 3 दिन कर सकते हो, आप 10 दिन कर सकते हो, 15 दिन 20 दिन जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो आपकी प्रोडक्ट सर्विस के हिसाब से, ठीक है। आप चाहो तो उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जिन्होंने 15 से 20 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट पर वो आपने का कंटेंट देखने आए हो, ठीक है, ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। तो बेसिकली कस्टम ऑडियंस क्या होता है, आप अपने पिक्सल का इस्तेमाल करते हो ऐसे कैटेगराइज करने के लोगों को, और उसके बाद आप दोबारा से रीटारगेटिंग कर सकते हो इन लोगों के लिए। अगर मान लो कि आप कुछ अपसेल करना चाहते हो, या फिर जो लोगों ने कुछ प्रोडक्ट खरीद लिया है, आप चाहते हो कि एक एडिशनल प्रोडक्ट है जो वो लोग और ले लें ताकि उनको और हेल्प मिल जाए, तो आप उन ऑडियंस पे दोबारा से ऐड चला सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फेसबुक वैसे ही लोगों को, उन जैसे लोगों को फाइंड करे, ठीक है, उन जैसे लोगों को, यानी कि लुक लाइक ऑडियंस की भाई जो एक्शन जो बिहेवियर इन लोगों का है वैसा ही और कितने लोग हैं जो जिनका बिहेवियर इनसे मैच करता है, और फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक उन जैसे लोगों को आपका ऐड दिखाने लगेगा, ठीक है, जिसको हम लुक लाइक ऑडियंस कहते हैं। तो कस्टम ऑडियंस से आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करते हो कि भाई ठीक है ऐसी ऐसी ऑडियंस है मेरे पास, अब इसके जैसी ऑडियंस खोज दो और मेरा ऐड चला दो, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना यार, ठीक है, लाइक भी करते नहीं वैसे आप लोग, अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, और नहीं किया है तो यार कर लो, फ्री है बिल्कुल, ठीक है। और चलते हैं हमारे कस्टम ऑडियंस कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाओगे यहाँ पर आपके ऑडियंसेस में, ठीक है, ऑडियंसेस में जब आप आओगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा, और शायद ये सारी चीज़ें आप में नहीं होंगी या शायद होंगी, ठीक है। ये कुछ जैसे कि अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है, अभी ये कस्टम ऑडियंस क्रिएट हुई है, ठीक है, तो कुछ पेंडिंग है, कुछ बन चुकी हैं, कुछ रेडी हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से कस्टम ऑडियंसेस होती हैं जो यहाँ पर आपको शो होती हैं, आपकी कस्टम ऑडियंस आपके नाम और उसके साइज़ के साथ, अवेलेबिलिटी के साथ, ठीक है, और कब वो क्रिएट की गई हैं। और इस अब हम आपको मैं बताऊंगा कि कस्टम ऑडियंस क्रिएट कैसे करनी है। देखो, जब आपके पास पिक्सल के पास डेटा हो जाता है, ठीक है, तो कस्टम ऑडियंसेस वर्क करने लगती हैं। यानी कि फिर आप जब कस्टम ऑडियंस क्रिएट करोगे तो उसका साइज़ भी कुछ इतना होगा कि आप यू नो उसका ऐड रन कर पाओगे, प्लस फिर जो आपका रिजल्ट होगा वो भी अच्छा रहेगा। अगर आपकी आपके पास डेटा बहुत कम है और उसके बाद आप कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट करते हो तो शायद साइज़ ही उतना बड़ा नहीं होगा कि आप उससे ऐड रन कर पाओ। सॉरी, अब देखो इस तरह का आएगा भी LTV क्या है, LTV बता दे रहा हूँ ऐसे कि भाई देखो, जब आपका जो कस्टमर लिस्ट होती है ना, जो शॉपिफाई पे आप शॉपिफाई या कहीं और जो भी आपका बिजनेस कर रहे हो आप ऑनलाइन बिजनेस, उसकी जो कस्टमर लिस्ट होती है आपकी, उसी को आप यहाँ पर XLV फॉर्म में अपलोड कर देते हो, और फेसबुक फिर वैसे ही लोगों को लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करता है, और फिर उसी उन्हीं टाइप के लोगों को दोबारा से आप ऐड दिखा सकते हो, या फिर आप रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अभी ये यहाँ पे शो होने लगा, पहले ये साथ में आता था कस्टम ऑडियंस के, तो आप इससे भी कर सकते हो, आपके में भी ऐसा कुछ आ रहा होगा। अगर आपके पास कस्टमर की लिस्ट है तो आप यहाँ पर ज़रूर अपलोड करो उसको। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बता दूंगा कैसे करना है, फिलहाल हम देखते हैं कि कस्टम ऑडियंस हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर दो आप क्रिएट ऑडियंस, और ये आएगा कस्टम ऑडियंस, ठीक है। देखो, कस्टम ऑडियंस क्या होती है, आप फेसबुक का डेटा इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जो फेसबुक ने आपके लिए डेटा इकट्ठा किया है। आप जब भी अपना ऐड चला रहे होगे, जितना भी आपने ऐड चलाया है, उस ऐड का फेसबुक पिक्सल डेटा स्टोर करता है अपने पास, ठीक है। अब उस पिक्सल के पास डेटा है, ठीक है, मान लो कुछ सफिशियंट अमाउंट ऑफ डेटा है उस पिक्सल के पास, तो अब आप क्या करते हो, आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हो, यानी कि ऐसी ऑडियंस जो जिनको आपका पिक्सल जानता है, ठीक है। अब पिक्सल जानता है क्या मतलब हुआ, जब आप इनिशियली ऐड चलाते हो तो आप अपनी डिटेल टारगेटिंग करते हो, डिटेल टारगेटिंग करने में आपको कुछ मालूम नहीं है, ना पिक्सल को कुछ मालूम है कि मुझे कहाँ ऐड दिखाना है। फिर जब वो ऐड चलता है,
उसके चलने के बाद परचेजेस आते हैं, ऐड टू कार्ट आते हैं, ठीक है, लिंक क्लिक्स आता है, ट्रैफिक आती है, तो फेसबुक स्ट्रांग जो पिक्सल होता है वो स्ट्रांग होता जाता है कि अच्छा ठीक है, इस टाइप के लोग ये काम कर रहे हैं, इस टाइप के लोग ये काम कर रहे हैं, इस टाइप के लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। जो भी लोगों की हरकतें होती हैं फेसबुक पे, उस हिसाब से फेसबुक लोगों को कैटेगराइज कर देता है कि ये इस कैटेगरी के हैं, ये इस कैटेगरी है, तो उस वही पिक्सल वो डेटा स्टोर कर लेता है अपने पास कि भाई ठीक है, ऐसे लोग जो है इन लोग ये लोग वेबसाइट में ऐड करते हैं, ऐसे लोग हैं जो परचेस कर लेते हैं, या ऐसे लोग हैं जो ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पिक्सल के पास डेटा होता है। अब जब आप ऐड रन कर रहे होते हो तो आपके पिक्सल के पास वो डेटा आ जाता है, एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ डेटा। जितना ज़्यादा आप ऐड रन करते जाओगे उतना ज़्यादा आपका पिक्सल स्ट्रांग होता जाएगा और उतनी अच्छी आपकी कस्टम ऑडियंस बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या है, इतने सारे इवेंट्स है, जैसे देखो वेबसाइट पे आपका कितना डेटा आ रहा है, ठीक है, कहाँ पर डेटा आ रहा है उस चीज़ को आप देख सकते हो। कस्टमर लिस्ट जो मैंने बताया अभी, LTV कस्टमर लिस्ट अगर आपके पास है तो आप अपनी कस्टमर लिस्ट को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक आपसे पूछेगा कि क्या, जो आप जब एक्सेल फाइल अपलोड करोगे, एक्सेल फाइल, तो आपको वहाँ पर फेसबुक को बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, वगैरह वगैरह चीज़ें, वो चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। कस्टमर लिस्ट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका एप्लीकेशन है, ऐप की एक्टिविटी आप देखना चाहते हो, तो वो आप ऐप एक्टिविटी कर सकते हो। ऑफलाइन एक्टिविटी अगर कोई आपके स्टोर में आए हैं जो लोग, आपने कभी स्टोर वाला ऐड चलाया हो तो उसके लिए ये इस्तेमाल होगा। उसके फेसबुक के सोर्सेज हैं वीडियो लीड फॉर्म, ठीक है, कि जिन लोगों ने आपका लीड आपने लीड ऐड चलाया होगा और जिन लोगों ने लीड दी होगी आपको, उनके लिए आप ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। शॉपिंग वगैरह हो गया, इवेंट्स जो फेसबुक के इवेंट्स होते हैं, जो अगर आपने इवेंट सेटअप कर रखे हैं तो यहाँ पर इवेंट स्टोर होंगे फेसबुक के, ठीक है। फेसबुक पेज पे क्या 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 लोगों ने, कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या चीज़ें की हैं, वो चीज़ यहाँ पर स्टोर होगी। उसके बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो इसमें से आप इतने सारे चीज़ों में से चूज़ कर सकते हो आपके लिए जो बेस्ट है, ठीक है। हम चूज़ करते हैं जैसे वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट में मेरा पिक्सल स्टोर है, मैं वेबसाइट पर देखना चाहता हूँ कि मैं आप जो पिक्सल से, मैं कहूँगा कि भाई तुम वेबसाइट वाला काम करो, ठीक है। वेबसाइट पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वेबसाइट पे, और फिर नेक्स्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पर जो आपका सोर्स है वो सोर्स दिखा रहा है, ठीक है। सोर्स है हमारा जो पिक्सल है, हमारा जो पिक्सल है वो हमारा सोर्स है। मेक श्योर कि आपका पिक्सल यहाँ पर सेटअप रहे, आपकी वेबसाइट पर पिक्सल होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट पर पिक्सल नहीं है तो क्या ही डेटा स्टोर कर लेगा और आप क्या ही कस्टम ऑडियंस बना लोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपके पास पिक्सल जो हो, और प्लीज़ करेक्ट पिक्सल चूज़ करना। अगर आप मल्टीपल पिक्सल है आपके पास तो वो पिक्सल चूज़ करो जो डेटा स्टोर कर रहा है, जो पर्टिकुलर उस वेबसाइट के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर इवेंट्स, इवेंट्स में आप चूज़ कर सकते हो कि सारे वेबसाइट विजिटर, जितने भी वेबसाइट विजिटर हैं, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, वो आपकी वेबसाइट पर आए हों, या उन्होंने कुछ नहीं किया हो, या उन्होंने ऐड टू कार्ट किया हो, या अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन दी हो, या फिर परचेस किया हो, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड जाएंगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर डाल सकते हो पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज, ठीक है। स्पेसिफिक पेज डालोगे तो सिंपल सा जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, कंटेन्स इक्वल्स डजन कंटेन, वो आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं देखी लास्ट वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या आई बटन पर आ रहा होगा, तो चेक कर लो कि कस्टम कन्वर्जन कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की है। या फिर आप कर सकते हो टाइम स्पेंड विजिटर बाय टाइम स्पेंड, कि किस कितने कौन से विजिटर कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मान लो कि जैसे आपका कोई ब्लॉग पेज आप चलाते हो, ठीक है। अब ब्लॉग पेज पे मान लो कि ऑन एन एवरेज एक बंदा आपके पेज पे, आप चाहते हो कि जो बंदा मेरे ब्लॉग पेज पे 30 सेकंड तक रुका है, मैं उस बंदे को या उनके जैसे बंदे को ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो आप विजिटर बाय टाइम स्पेंड भी चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो इवेंट्स होते हैं जो पिक्सल के, यानी कि पेज व्यू हो गया, वी कॉन्टेंट, इनिशिएट चेकआउट, ऐड टू कार्ट, पेमेंट इन्फो, परचेज, सर्च, ये जो आपने इवेंट्स सेटअप किए थे अपने पिक्सल पे, ठीक है। अब इवेंट सेटअप कैसे करना है वो भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर आई पे चेक कर लेना यार उसको, ठीक है। और अगर अभी तक वीडियो सही लग रही हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो यार। उसके बाद यहाँ पर आता है कि आपके इवेंट्स में, जैसे अगर आप चाहते हो कि वो लोग जिन्होंने आपके पेज को व्यू किया था, तो वो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने आपके पेज को व्यू किया था। अगर आप चाहते हो जिन्होंने कॉन्टेंट आपका देखा है, ठीक है, पेज व्यू और कॉन्टेंट व्यू में क्या डिफरेंस है भाई? देखो पेज व्यू में होता है कि देखा नहीं देखा, मतलब आपने बस लिंक क्लिक कर दिया, ठीक है, आपने आके पेज व्यू पूरा किया है, थोड़ा टाइम तक रुके हो, तो वो पेज व्यू में काउंट होता है। कॉन्टेंट में भी यहाँ आपने कोई वीडियो देखी है, आपने फोटोज वगैरह, मतलब आपने ढंग से विजिट कर रखा है किसी बंदे ने पे, तो इन दोनों चीज़ों में आता है, ठीक है। या फिर आप इनिशिएट चेकआउट में आ सकते हो। इनिशिएट चेकआउट में क्या है, जिन लोगों ने चेकआउट को इनिशिएट कर दिया, ऐड टू कार्ट आप जानते ही हो, पेमेंट इन्फो जिन्होंने ऐड किया, यानी कि ऐड टू कार्ट उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने पेमेंट इन्फो किया लेकिन उन्होंने परचेज नहीं किया, तो वो लोग इसमें आ जाएंगे। या फिर जिन्होंने परचेज कर लिया, या फिर केवल सर्च जिन्होंने किया आपके बारे में। तो हम जैसे परचेज करते हैं, ठीक है। अब जो परचेज होता है इवेंट्स में क्या है, अब मैंने परचेज चूज कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि कितने दिन का परचेज हो। यानी देखो आप पिक्सल आपका डेटा स्टोर कर रहा है, मान लो आपको 1 महीना हुआ है अभी चलाते हो, तो आप 30 दिन इस्तेमाल करो। अगर आप चाहते हो कि भाई जितना परचेज हुआ है मेरे पिछले 120 दिन में कितना परचेज हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर
120 कर दोगे तो यानी कि पिछले 120 दिनों में जो भी परचेज हो रखा है ठीक है, उसका जो डेटा होगा वो फेसबुक यहाँ पर ऑडियंस बना देगा, यानी कि कस्टम ऑडियंस उतने लोगों की बनेगी, यानी कि 120 दिन में जितने परचेज हुए उस टाइप के लोग कितने हैं वो यहाँ पर आपका फेसबुक ऑडियंस बना देगा ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि 180 दिन करना है या 30 दिन करना है या लास्ट 15 दिन के लिए करना है या कुछ ऐसा कुछ करना है ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप क्या चीज़ यहाँ पर चूज करना चाहते हो ठीक है। लेट सपोज जैसे मैं करता हूँ, हाँ चलो मैं जैसे 60 दे, दो महीने पिछले 2 महीने में मैंने कितना परचेज कर रखा है मैं वो चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस का नाम डालोगे ठीक है, जो भी आपकी ऑडियंस है जैसे परचेज है, तो मैं डाल से मार लेता हूँ परचेज डाल देता हूँ मैं ठीक है। मैंने परचेज डाल दिया और मैं डाल दूंगा 60 डेज ठीक है, यानी कि इससे मुझे पता चलेगा कि ये 60 दिन की ही ऑडियंस है ठीक है। ये आप भी करना वरना आप कंफ्यूज जाओगे कि आपने ऑडियंस कब की बनाई है, कितने की है, क्या है। तो आप यहाँ पर डिटेल में लिख देना कि भाई मेरी ये परचेज ऑडियंस है जो कि लास्ट 60 डेज की है, 30 डेज, जितना भी आप लिखते हो। ये आपके लिए होता है कि आपको चीज़ें समझ में आए कि आपने ऑडियंस किस लिए बनाई थी। डिस्क्रिप्शन भी सेम आपके लिए है कि आपको बाद में जब आप देखो या कोई और अगर आपका ऐड संभाले तो उसको पता रहे कि ये जो ऑडियंस है पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए है। सिंपल सा यही काम है ठीक है। अब इंक्लूड कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो आप। उसके बाद आप यहाँ से अलग अलग इवेंट्स चूज कर सकते हो अगर आप चाहो ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आप एनी कर सकते हो, यानी कि जो कुछ भी इसमें से कुछ भी मैनेज हो जाए तो आप ले लो, या फिर सारे क्राइटेरिया मीट करने चाहिए ठीक है। अगर मान लो जैसे परचेज है तो आप परचेज पूरा अगर यहाँ पर आप करते हो ठीक है, तो यही दोनों डिफरेंस आता है कि एनी में मतलब कोई भी कर ले और ऑल में मतलब कि जितना भी क्राइटेरिया आप दे रहे हो, जितने क्राइटेरिया दे रहे हो सारे सेटिस्फाई होने चाहिए, तो ही उन लोगों का इंक्लूड करो। तो आप एनी पे ही रहना ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, सीधा से यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करोगे और आपकी कस्टम ऑडियंस जो है वो क्रिएट हो जाएगी ठीक है। आप कस्टम ऑडियंस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि अभी फेसबुक उसको जैसे यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, अब ये आपका 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर यहाँ पर आपकी साइज दिखाने लगेगा कि भाई आपकी ऑडियंस का साइज इतना है ठीक है। अगर वो साइज सफिशिएंट होगा वो आपको देख के खुद ही पता चल जाएगा, अगर वो साइज सफिशिएंट होगा तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आगे लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनानी है वो भी मैं बताऊंगा कि इससे लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनेगी आपकी कस्टम ऑडियंस से, और इसका इस्तेमाल कैसे करोगे आप अपना ऐड चलाने के लिए ठीक है। तो कस्टम ऑडियंस इसी तरह से बनती है, और अगर कुछ और आपको जानना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।